एक अंधेरी रात को भूतिया बस में हुई एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पुलिस ने इस बस के पेट्रोल टैंक को खोला तो उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। और ये घटना इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि पुलिस ने जब इसकी रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने खुद लिखा कि इस बस में सवारी बनकर 3 भूत चढ़े थे और अचानक से ये बस ऐसे गायब हुई कि किसी भी CCTV में इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली। ये बस अचानक से गायब हो गई और जब ये पुलिस को मिली तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर बता दूंगा उसके अंदर क्या था और ये पूरी घटना क्या थी, जैसे 29 साल होने के बाद भी पुलिस आज तक सुलझा नहीं पाई। ये कोई क्राइम था या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये तो नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप रात में बस में सफर करने से पहले 2 बार जरूर सोचोगे। यार समझ गए होगे, आज हम बात करने वाले हैं रूट नंबर 375 की भूतिया बस वाली घटना के बारे में। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो जल्दी से अपने टिकट कटा लो और बस में बैठ जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं चाइना आज के फाड़ू वीडियो में। ये घटना है 14 नवंबर 1995 की, रात का समय था। रूट नंबर 375 की आखिरी बस अपनी मंजिल की तरफ निकल गई थी। इस बस को 16 किलोमीटर दूर मौजूद फ्रेग्रेंट हिल जाना था। इस बस में एक बूढ़ी महिला, एक 22 साल का लड़का और एक यंग कपल सफर कर रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, सड़कों पर सन्नाटा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। ड्राइवर को तभी अचानक अंधेरे में खड़े हुए 2 लोग दिखाई दिए, लेकिन वो लोग बस स्टॉप पर नहीं खड़े थे, वो लोग एक सुनसान सी जगह पर अंधेरे में खड़े हुए थे। पहले तो ड्राइवर ने उनके लिए बस ना रोकने का फैसला किया, क्योंकि ये इंडिया नहीं चाइना था, यहाँ पर बस स्टॉप पर ही रुकती है। लेकिन फिर उस ड्राइवर ने सोचा कि ये इस रूट की आखिरी बस है, अगर मैंने इन लोगों के लिए बस नहीं रोकी तो ये रात भर यूं ही खड़े रहेंगे और इनको कोई और बस नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है ये लोग परेशान हो जाएं। तो ड्राइवर ने एक अच्छा और बड़ा दिल दिखाते हुए बस को इन लोगों के लिए रोक दिया। जब ये 2 लोग बस में चढ़े तो सभी लोग जो बस में पहले से मौजूद थे वो लोग थोड़ा सा चौंक गए, क्योंकि ये लोग जो चढ़ रहे थे ना, इन लोगों ने बहुत ही पुराने जमाने के ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े पहने हुए थे। इन लोगों में से अजीब सी बदबू आ रही थी और ये 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। जो 2 लोग थे उन्होंने तीसरे बंदे को अपने कंधे पर टांग रखा था। वो तीसरा बंदा बेहोश था या पता नहीं क्या था, शायद उस तीसरे बंदे की तबीयत खराब थी या फिर वो नशे में था। ऐसा सोचकर बस में मौजूद बाकी लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बस में जो बूढ़ी औरत बैठी थी उसका ध्यान इन 3 लोगों से हट ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। बस में एक लेडी कंडक्टर भी थी, तो उस बूढ़ी औरत ने उस कंडक्टर से पूछा कि क्या तुम्हें ये 3 लोग गड़बड़ नहीं लगते, इनके कपड़े कितने अजीब है, इनमें से कितनी गंदी सी बदबू आ रही है। तो बस कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हो या एक्टिंग वगैरह करते हो, और जल्दीबाजी में अपनी ये पुरानी कॉस्ट्यूम पहनकर ही बस में चढ़ गए हो। खैर जो भी था, इन 3 पर बाकी लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया था। बस आगे बढ़ी और वो नौजवान कपल जो उस बस में मौजूद था वो अपने स्टॉप पर उतर गए। अब बस में मौजूद थे ड्राइवर, कंडक्टर, वो बूढ़ी औरत, एक 22 साल का जवान लड़का और ये 3 रहस्यमय लोग जो बस की सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गए थे। अचानक से तभी पता नहीं वो बूढ़ी औरत जो बस में बैठी थी उसको क्या हुआ कि वो उस जवान लड़के से लड़ने लग गई, उस पर चिल्लाने लग गई और उस पर ये इल्जाम लगाया कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब वो लड़का इतने शौक में था कि ये बूढ़ी आंटी को अचानक से क्या हो गया। लेकिन ये लड़ाई रुकी नहीं, उस बूढ़ी औरत ने बस को रुकवाया और कंडक्टर से कहा कि हमें आगे वाले स्टॉप पर छोड़ देना, मैं इस लड़के की पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। उस बस की लेडी कंडक्टर को भी समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, वो लड़का तो उस बूढ़ी औरत से काफी दूर बैठा है, ये उसका पर्स चुरा कैसे सकता है। लेकिन उस बूढ़ी औरत की जिद के चलते आगे वाले स्टॉप पर उन दोनों को उतार दिया गया और बस अपने सफर पर आगे चली गई। अब उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर और वो 3 लोग ही मौजूद थे। बस से उतरने के बाद वो लड़का उस बूढ़ी महिला के हाथ जोड़ता है और कहता है, आंटी मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। तो वो औरत बोलती है, बेटा मुझे मालूम है तुमने पर्स नहीं चुराया, मुझे उस बस से उतरना था और तुम्हें भी उतारना था। लड़का पूछता है, आखिर ऐसा क्यों, हमारा स्टॉप तो अभी बहुत दूर है। तब वो बूढ़ी औरत बोलती है कि उस बस में वो जो 3 लोग चढ़े थे वो भूत थे, क्योंकि जब वो बूढ़ी औरत पीछे देख रही थी तो हवा की वजह से उन 3 लोगों के कपड़े उड़े थे और उस औरत ने देख लिया था कि इन 3 लोगों के पैर नहीं है, ये हवा में उड़ रहे हैं। ये सुनकर लड़के को उस बूढ़ी औरत की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे डर तो लग गया था। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर ये पूरी घटना पुलिस वालों को बतानी चाहिए। लड़का भी मान गया, ये दोनों पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस वालों ने इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। पुलिस वालों को लगा कि शायद ये बूढ़ी औरत सठिया गई है, तो पुलिस वालों ने उनकी बात को हंसी मजाक में टाल दिया और इन दोनों लोगों को, मतलब उस बूढ़ी औरत को और उस लड़के को, अपने अपने घर भेज दिया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले दिन
इसी बस के मिसिंग होने की रिपोर्ट सेम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। तब पुलिस वालों को याद आया कि रात के समय दो लोग इसी बस से रिलेटेड एक शिकायत लेकर आए थे। तब उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत और उस लड़के का पता निकाला, उनसे पूछताछ की, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उस बस का कुछ पता नहीं चल रहा था। ना ही इन लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को कोई सुराग मिला, क्योंकि ये लोग तो भूत की कहानी बता रहे थे। तभी पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि उस जगह से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में बस मिली है जो कि पलटकर नदी में गिर गई थी और उस बस के अंदर थी 5 लाशें। पुलिस समझ गई कि ये वही बस है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन जब पुलिस ने अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ वहां जाकर बस की जांच की तो वहां पर 2 लाशें तो बिल्कुल सही थी, जो थी ड्राइवर और कंडक्टर की, लेकिन जो 3 और लाशें थी उन रहस्यमय पैसेंजर्स की, वो इतनी ज्यादा खराब हालत में थी ऐसा लग रहा था कि वो सालों पहले ही मर चुके हैं। उनकी लाशें बहुत जल्दी डीकम्पोज हो गई थी। फॉरेंसिक वालों ने भी इन डेड बॉडीज को चेक करके बताया कि इनकी मौत कल रात को नहीं हुई है बल्कि ये बहुत टाइम पहले ही मर चुके हैं। तब पुलिस को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब पुलिस ने इस बारे में बस की कंपनी में मौजूद लोगों से पूछताछ की तब पुलिस को पता चला कि बस केवल 16 किलोमीटर का रूट तय करती थी और उसमें उतना ही फ्यूल होता था। तो अब सवाल यह है कि उस बस में इतना फ्यूल कैसे आया कि ये 100 किलोमीटर दूर चली गई। जब पुलिस ने उस रास्ते के सारे सीसीटीवी को चेक किया तो पुलिस का भी दिमाग हिल गया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत और उस लड़के के बस स्टॉप पर उतरने के बाद से आगे वाले किसी भी सीसीटीवी में वो बस कैप्चर ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि उस स्टॉप के बाद से वो बस गायब हो गई हो। और ये बस आखिर कैसे पलटकर नदी में गिर गई इसका भी कोई क्लू नहीं था, क्योंकि उस जगह पर कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था। जब पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक को चेक किया तब उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बस के फ्यूल टैंक में डीजल नहीं बल्कि ब्लड था। और इतना सारा ब्लड आखिर आया कैसे, किसका था ये ब्लड? ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी गुत्थी बन गई थी, एक ऐसा रहस्य बन गया था जिसे पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी। पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं था, कोई क्लू नहीं था, कोई सुराग नहीं था। ये घटना इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी कि उस टाइम हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इस घटना को कवर किया गया। वो बस गायब कैसे हुई, उसके टैंक में इतना सारा ब्लड कैसे आया, वो बस सीसीटीवी में कैप्चर क्यों नहीं हुई, और वो 100 किलोमीटर दूर आखिर पहुंची कैसे, वो 3 लाशें किसकी थी, ये सारी बातें आज भी रहस्य हैं। और अगर हम उस बूढ़ी औरत की बात माने तो क्या वाकई में उस बस में जो 3 लोग चढ़े थे वो भूत थे? क्या ये जो भी घटना हुई थी ये कोई क्राइम एक्टिविटी नहीं थी बल्कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी? खैर जो भी हो, इस घटना के बाद से चाइना के लोगों में रूट नंबर 375 को लेकर इतना डर बैठ गया कि कई सालों तक उस रूट पर रात में किसी ने बस से सफर ही नहीं किया। और ये जो घटना है वो चाइना में आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसे लोग रूट नंबर 375 की घोस्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो भी घटना हुई थी ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर ये एक सोचा समझा क्राइम था जिसे एक भूतिया घटना के रूप में दिखाया गया है, जिसे क्राइम करने वाले लोगों ने इस तरह से घुमा दिया कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी लग रही है? तो अपने अंदर का डिटेक्टिव जगाओ और मुझे बताओ कि भैया आखिर इस घटना के पीछे रहस्य क्या है? ये वाकई में कोई भूतिया घटना है या फिर चक्कर कुछ और ही है? यार चक्कर जो भी हो, इस कहानी से हमें एक सीख तो जरूर मिलती है कि बूढ़े बुजुर्गों की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए भैया मेरे जैसे बूढ़े बुजुर्ग की बात को सुनो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स को दिखाओ, उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाओ, फटाफट से इस चैनल के 4 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।